आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, ये जुमला बैन कर दे सरकार, वरना एक झुंड किलस जाएगा। ऐसा ही हुआ है मेरे दोस्तों, भारत में मुसलमान होना जुर्म है। मोदी सरकार, संविधान और ये पुलिस बार बार साबित करती है, लेकिन मुसलमानों के अकल में ये बात नहीं आती। भारत का एक शेर और उलमाए दीन में सबसे बड़ा शेर, मैं कहता हूं उस इंसान को, दिल जीत लिया उस इंसान ने, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। बहुत बयान उनके देखे मैंने, कहीं हेट स्पीच नहीं मिली। लेकिन आइए, कुत्ते अपने आप को ही कुत्ता कैसे समझ लेते हैं समझिए। उनका एक सीधा साधा बयान, जिसमें उन्होंने ना किसी धर्म विशेष, ना किसी समुदाय, ना किसी कट्टरपंथ को, ना किसी ग्रुप को टारगेट करके कुछ कहा। उन्होंने एक शेर पढ़ा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबों में छपा हुआ है। वो वीडियो काट पीट कर सिर्फ एक छोटा सा अंश हिंदू समुदाय ने वायरल किया। हिंदू संगठन से जुड़े हुए उपद्रवियों ने खूब उसको शेयर किया और इसी मकसद से शेयर किया कि सलमान अजहरी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करवाया जाए और अपना हुड़दंग, अपनी दादागिरी दिखाई जाए। पहले वो एक क्लिप देखिए और क्लिप के साथ जिस हिंदुत्व के कट्टरवादी हैंडल ने शेयर किया है वो देखिए और जुमला सुनिए। मौलाना किसी भी तरह से किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन लिया मेरे दोस्तों, क्या आपने कैप्शन पढ़ा? पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। इस हिंदू कट्टरपंथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बिना किसी का नाम लिए जिस मौलवी ने एक शेर पढ़ा, इसने कुत्ता पूरे के पूरे हिंदू समुदाय को कह दिया, क्योंकि इसने ऊपर लाइन लिख दी, हिंदुओं को खुलेआम धमकी। और ये नीचे खुद लिख रहा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। कट्टरपंथी मुस्लिम नेता मुफ्ती सलमान अजहरी का जहरीला बयान, इसमें जहर कौन डाल रहा है आप देखिए। बड़ी चतुराई से, या यूं कहूं कि बड़े डरे हुए अंदाज में, अगर किसी ने चोरी करी होती है और भीड़ में आप चीख दो चोर, तो चोर ही डरता है। ठीक इसी तरह से इसने, इस शख्स ने, जो भी इसके पीछे है, और ऐसे बहुत सारे हिंदूवादी नेता हैं, बहुत सारे बीजेपी से और आईटी सेल से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने एक सीधे साधी बात को, सीधे साधे कलाम को सीधा तमाम हमारे हिंदू भाइयों पर डाल दिया और हमारे हिंदू समुदाय के ऊपर एक गंदी बात चिपका दी। यानी एक गाली दी हुई तो वो मुसलमान ने नहीं दी, वो खुद हिंदू समुदाय के लोगों ने ही हिंदुओं को ही अपशब्द चिपका दिया और कह दिया कि ये हम नहीं कह रहे, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। मुफ्ती साहब के शुरू से आखिर में पूरे बयान में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी प्रांत का जिक्र नहीं। आज हमारी तकरीर से निकाल निकाल करके मसाले लगा करके यूट्यूबर जो है फैलाते रहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो कहा, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये कहा, ये भड़काऊ बात, तुम खुद ही भड़क रहे हो। हम नहीं भड़का रहे। मैं अगर आपके सामने कहूँ, यहाँ मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी है, अरे पूरा सुन लो, पूरा सुन लो, मशहूर शेर है, कुछ देर की खामोशी, उसको मैंने थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। इस शेर को बोलने पर अब तो आजादी भी नहीं मिली, जबरदस्ती किसी ने ट्वीट किया और कहा इन्होंने हमारी कौम को कुत्ता कहा। मैंने कहीं कोई लफ्ज कहा ना ही, मैंने किसी भी कौम का जिक्र किया, ना ही तुम्हारे गुरु घंटाल का, ना किसी बादशाह का, ना किसी नेता का कहीं जिक्र नहीं किया। तुम खुद ही कुत्ता बनना चाह रहे हो। हमने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो आपने टाइटल देखा। अब इसके बाद यह हुआ कि FIR कर दी गई और FIR करने के तुरंत बाद खबर यह मिलती है कि उनके घर पर 30-35 पुलिस वाले सादी वर्दी में पहुंच जाते हैं। जुल्म देखिए,
गाली बकी नहीं, कुत्ता किसी को कहा नहीं, धर्म को गाली बकी, लेकिन सिर्फ जैसे कि मुंबई पुलिस, गुजरात एटीएस इस ताक में थी, प्रशासन ताक में था कि बस इनका कोई भी इस तरह सा कुछ बोले तो हम उसको दबा लें, और ताकि उसको दबा दें तो 10 आवाज दब जाएंगी। एक मुसलमान मौलवी को फर्जी केस में अंदर करेंगे, हिंदू भी खुश होंगे, भाजपा जीतेगी भी, वाहवाही होगी, और मुसलमान जो लोग जुल्म सहते सहते अब थोड़ा बोलने लगे हैं वो डर जाएंगे। दबाने के लिए क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, फर्जी केस लगाकर एक मुसलमानों के रहनुमा को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है, वहां पर शेर दिल मुसलमानों ने अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ा, और उम्मीद करता हूं छोड़ेंगे नहीं। लॉयर उनके वहां मौजूद थे, देर रात को लॉयर ने जो बयान दिया है कि क्या क्या घटना हुई है, उनके जुबान से भी पूरी वारदात सुनना जरूरी है, सुनिए। पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म में मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि यहाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है, तो अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, बीकेडी के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया, बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया, मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इल्लीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कम्प्लाई करेंगे, और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे आपको पुलिस स्टेशन में, आपको कॉपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा हुआ है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। जिस इंसान ने गाली नहीं बकी, जिस इंसान ने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, कुछ हिंदू वादियों ने सोशल मीडिया पर क्लिप काट कर शेयर कर दिया, और फिर IT सेल वालों ने उसको खूब शेयर किया ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए, और कुछ शेर दिल मुसलमान अब खड़े हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो उनको डरा कर बिठा दिया जाए और इनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस ने उनकी बात पर लब्बैक कहा, और एक ही वीडियो देखते ही, एक ही FIR देखते ही, बिना जांच पूरी किए, बिना कोई सवाल जवाब, बिना किसी नोटिस के तुरंत गिरफ्तार करके मौलवी को घंटों के लिए अंदर थाने। अब ये टॉर्चर होते होते रात को 10:30 देर रात मुफ्ती साहब को खिड़की पर लाया गया माइक देकर, क्योंकि उनके चाहने वाले सड़क पर खड़े हुए थे। मुफ्ती साहब ने आकर कहा कि जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, और मैं क्रिमिनल नहीं हूं। फिर उन्होंने मांग करी अपने लोगों से कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो सड़क को खाली कर दीजिए। सोचिए, जो पुलिस की कस्टडी में होके संविधान की और कानून की बात करे, जो पुलिस की कस्टडी में होके माइक से अपने लोगों को समझाए, जो खुद मुसीबत में होके ये चाहे कि लोग मुसीबत में ना पड़े, वो इंसान क्रिमिनल कैसे हो सकता है? आज तक यही तो होता आया है मुसलमानों के साथ, शोफियान फेक एनकाउंटर, ओखला फेक एनकाउंटर, न जाने कहां कहां फेक एनकाउंटर, फेक गिरफ्तारी। आप तमाम मामलों को पढ़कर देखिए, किसी को फर्जी गिरफ्तार किया, 20 साल बाद छोड़ा, कफील खान का मामला आपके सामने है।
मुसलमान होना जुर्म है। अब मेरी पर्सनल राय है, मुझे फील ऐसा हुआ कि जब मुफ्ती साहब खिड़की पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनसे बुलवाया गया है कि ये बोलिए अपने लोगों से, वरना ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अगला जो हमारा इमाम है, जो हमारा रहनुमा है, मुसीबत में है, और नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़े। सुनिए। बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही किसी क्राइम पर मुझे लाया गया। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हो, तो ये गैर खाली कर दीजिए, बस गैर खाली कर दो, तो मुझसे मुंह मसला न होने का। हज़बे अल्लाह होने में वकील, आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगा। मैंने तो जो फील किया आपको बोल दिया। इसके बाद इन्हीं के समर्थन में कुछ मुसलमान बच्चे मदरसे के, ऐसा नहीं मदरसे के, इंजीनियर जो मदरसा भी पढ़ते हैं, इंजीनियर के छात्र और पढ़े लिखे बच्चे अपने इमाम, अपने मौलाना मुफ्ती के समर्थन में गेट पर खड़े थे। पुलिस ने लाठीचार्ज करी और इतना बुरा मारा कि मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद फिदा हुसैन खान है। तो आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको पुलिस ने मारा? हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम गेट के पास खड़े थे और मैं बताऊंगी इन्हीं के पीछे हम खड़े हुए थे। वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े हुए थे। हमको बोला गया था कि चुपचाप खड़े रहने के लिए उनके साथ में, लेकिन वो अचानक वो लोग सब बहुत ज़्यादा बाहर आए, थोड़ा सा शोर गुल हुआ, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बाहर आए और एक ही साथ लाठीचार्ज किया उन लोगों ने। और आप मेरा हाल देख सकते हैं, इधर इधर और पूरे बदन में मुझे मारा है और मेरे दोस्त को उसका सर फोड़ दिया मार करके। वो लोग ये देखने के बावजूद भी कि उसको मारा है, सर पर मारा है, खून निकल रहा है, फिर भी मारे उन लोग ने, मैंने देखा है, मैं इसका गवाह हूँ, उन लोग ने फिर भी मारा है उन लोगों को। कितने लोग लगभग आपको मारे या किस किस चीज़ों से मारा है? मेरे को 8 से 9 लोग ने मेरे को मारा है, मेरे को, इसको भी उसी तरीके से मारा है। हम तो आप लोगों ने मारते समय बोला कि हम लोग चले जाएंगे, आप लोग समय दो। हमने बार बार बोला हम जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे, मार क्यों रहे हो? लेकिन वो लोग जो है नहीं सुने, हमको गाड़ी पे गिरा के मारा है, हम गिरे हुए थे उस पे भी हमको मतलब डंडा मारा है, इतना मारा है। और इसको रहने वाले मुसलमान होना कितना मुश्किल है भारत में आपको नजर आ रहा है ना। वारिस पठान देर रात को थाने पहुंचे, मुफ्ती साहब से उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने बताया कि मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है कि मुझे संविधान पर भरोसा है, जिस इंसान पर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म सहता हुआ भी कह रहा है कि मुझे संविधान पर भरोसा है। देर रात 12 बजे वारिस पठान। देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुँचाई है, ना किसी धर्म विशेष के आगे इसमें मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पर एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा,
मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कॉपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद जो है वो डिटेल करना चाहिए था। 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना, नोटिस दो हमको, पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है, 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा। मुझे नहीं पता कि दूसरे उलमाएदीन खामोश क्यों हैं, मुझे नहीं पता दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां खामोश क्यों हैं, मुझे नहीं पता कि वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो चुप क्यों हैं, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है, लेकिन सवाल ये है कि उलमा दूसरे खामोश क्यों हैं। मेरे दोस्तों, राजस्थान भिलवाड़ा मौलाना मुफ्ती अशरफ जीलानी ने, हज़रत ने देर रात को एक बयान जारी किया जो बयान सभी के दिमाग में सटीक बैठता है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो कुछ भी मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करने के लिए किया गया, ये सब प्लान था, पूरी तरह से प्लानिंग की गई। काजी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी ने साफ तौर से कहा कि एक शख्स की ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हक की आवाज़ दबाने की कोशिश है, इसलिए इस वक्त पूरे मुल्क के तमाम गैरतमंद लोगों को पूरी ईमानदारी से मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ खड़ा होना चाहिए। رحمتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی سازش کے تحت محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو آج ممبئی کی سرزمین پر گرفتار کر لیا گیا اور उनके बयानात को ये कहकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई कि इनके बयान से मुल्क को खतरा है, माहौल खराब हो जाएगा, ये भड़काऊ बयान देते हैं। इस तरह के इल्जामात हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला पर लगाए गए और इसी के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को इस वक्त गिरफ्तार किया हुआ है। मैं समझता हूं कि यह गिरफ्तारी जो मुफ्ती साहब किबला की हुई है, ये गिरफ्तारी तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि यह गिरफ्तारी दरअसल हक को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तन्हा सलमान अजहरी साहब की यह गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि हक के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है ये। अजी आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, हमारे पहले खुद के मसले नहीं मर जाए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी रावजी शाफी मालिकी ये वो अलाना फलाना धमाका, मलिक पठान और वो कुरैसी और ये सलमान और अलाना का फलाना, हम आपस में ही ख़त्म कर लें। कहता आया हूँ 3 साल से कि आपसी झगड़े रंजिश, अब क्या होगा, अरे मुफ्ती हैं वो तो वो हैं, बरेलवी हैं अरे वो तो वो हैं, देवबंदी हैं अरे वो तो वो हैं, अरे गधो वो मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब का कुरान एक है, हमारा नबी एक है, 1,24,000 हमारे अंबिया हैं, हम सब का वही अल्लाह है, बाकी बातें तो हमारे घर के अंदर की लड़ाई है, हमें तो सड़क पर मारा जा रहा है। बहरहाल आज जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है वो खुद उन्हीं की ही गलतियां हैं। अब उलमाए दीन खामोश रहेंगे तो होगा यही, सुन लिया ना आपने इनको,
कौन उलमा खड़ा हो रहा है भाई? कोई नहीं खड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल अब मैं दुनिया से ये करना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ हिंदुओं, आप मुझे ये बताइए कि अगर अजहरी साहब का एक शेर जिसमें किसी मज़हब का नाम नहीं है वो आपको बुरा लगा, तो आपके हिंदू समुदाय के तथाकथित सनातनी लोग मुल्लो, कटुआ, लांडा ये सब बोल के मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तो उस पर हेट स्पीच क्यों नहीं, उस पर केस क्यों नहीं? अब हिंदू भाई मुझे कहेंगे कि भाई तुम गधे हो, हम तो फौरन FIR करते हैं और एक्शन भी होता है, तुम्हारी तरफ से तो एक FIR भी नहीं होती। तो बात हमारे हिंदू भाइयों की सही है। हिंदूवादी नेता स्टेज से खड़े होकर मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, मस्जिदों को गिराने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, मुसलमानों को मिटा देने की बात करते हैं, जैसे टी राजा। तो दिमाग में रखिएगा, मुंबई पुलिस, गुजरात ATS आपके लिए खास पैगाम कि आपको वहाँ हेट स्पीच नज़र आ गई जहाँ किसी भी धर्म का नाम नहीं है, तो फिर ये सुन लीजिए। मैं आपको तारीख बताऊंगा, 2032 तक काशी में और मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा और हम सब जाकर वहां पे दर्शन करेंगे, और 2025 और 2026 तक भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने वाला है। भारत के बड़े बड़े साधु संतों की वाणी है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बढ़ रहा है और 2025-26 तक हिंदू राष्ट्र की रूपरेखा सामने आ जाएगी। कभी आना आप लोग हैदराबाद, जिसको हम भाग्यनगर कहते हैं, जब वहां पर भगवादारी निकलते हैं तो अच्छे अच्छे लोग घरों में छुप जाते हैं। अरे ओवैसी जैसे भड़वे भी घर के बाहर नहीं निकलते। ये दो चूहे सिर्फ मीडिया के सामने भोंकना इनको आता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई लड़े इन हरामियों में उतनी दम नहीं है मेरे भाइयों, किसी में उतनी दम नहीं है। आज अगर ये लोग ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसकी शहादत हम नहीं भूलेंगे, बेटा हम भूलने नहीं देंगे तुझे। बाला साहब ठाकरे जी की एक सोच थी मित्रों कि मेरा हिंदू सिर्फ घंटा मारने वाला हिंदू ना हो, इन जिहादियों को ठोकने वाला हिंदू। सुना, इसी तरह से स्वरेश चक्रवाणी ने खुल्लम खुल्ला 3,09,999 यानी लगभग 4,00,000 मस्जिदों को तोड़कर हड़पने की, उनकी जमीन पर कब्जा करने की बात मीडिया के सामने ऑन कैमरा कही, लेकिन वो आपत्तिजनक नहीं है, वो हेट स्पीच नहीं है। उसकी दो वजह है, पहले आप वीडियो देखिए फिर वजह बताता हूँ। ज्ञानवापी और मथुरा, इसकी बात नहीं मैं करता हूँ तो सब कर ही रहे। मैं 3,99,999 उन मंदिरों की बात कर रहा हूँ जो मस्जिदों के नीचे दबे हैं। सब वापस लेंगे क्या? सब लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अयोध्या लेंगे ऐसा कहते थे तो लोग हंसते थे, तो जो लोग अभी हंसेंगे उसको भी जवाब मिल जाएगा। पहली वजह यह है कि खुद मुसलमान इस पर आपत्ति नहीं जताता, खुद मुसलमान इस पर FIR नहीं करता, खुद मुसलमान ऐसे बयान का विरोध नहीं करता, इस वजह से कुछ एक्शन नहीं होता। दूसरी बात, वो बहुसंख्यक समाज से है तो भाई FIR क्यों होगा? आप समझ रहे हो, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिस बयान से भारत सरकार को, हमारी जो सेंट्रल सरकार है उसको फायदा पहुंचे, तो भाई गिरफ्तार क्यों होगा? अब कमाल तो यही है कि मुंबई पुलिस और ATS को एक शेर में एक जो शायरी करी है वो हेट स्पीच नज़र आ गई, और जो खुल्ला खुल्ला माइक पकड़कर हेट स्पीच कर रहे हैं वहाँ उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। पिछले कई महीनों से लगातार मुसलमानों के खिलाफ मार काट के बयानात हिंदू समुदाय के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन उन हेट स्पीच पर कान में उंगली प्रशासन डाल लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और सुन लीजिए। आज उत्तर प्रदेश
प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो ये संकल्प लेता है कि राम मंदिर तो एक झांकी है और काशी मथुरा अभिभाकी है। अब वो दिन दूर नहीं, 2029 तक काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अब वो दूर दूर नहीं और कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अभी ज्ञानवापी जो दिल्ली का जो ढांचा हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, अब वहां पर भी पूजा का परमिशन मिल चुका है और पूजा प्रारंभ हुई है। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द कोर्ट के आदेश के बाद में वो इनलीगल ढांचे को हटाकर भव्य मंदिर बनेगा। मथुरा का भी काम प्रारंभ है। सिर्फ तीन मंदिर जो इन हरामियों ने तोड़कर गुंबदें बनाई थी, सिर्फ तीन मंदिर हिंदुओं के समर्थन में आते देख ये लोग मचल रहे हैं, ये लोग तड़प रहे हैं। अभी तो ये तो शुरुआत है। अभी हमारे 50,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों को तोड़कर इन हरामियों ने गुंबदें बनाई। अभी तो शुरुआत है, यानी हमें यह सोचना है मेरे भाइयों, जब जब भगवे का राज आता है भगवे की विजय होती है। और मैं समझता हूं अब भूतों का भविष्य कोई भगवे को झुका नहीं सकेगा। हमारे भारत देश में कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा नहीं सकेगा। आज पूरे भारत में हमारे हिंदू समाज को सर्वनाश करने के लिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बहुत सारे जिहादियों ने एक योजना बनाई है। लोग जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर अनेकों हमारे हिंदुओं को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। लिख के ले लीजिए, गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होना जुर्म है तो मुसलमान को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काशी में, मथुरा में ज्ञानव्यापी मस्जिद को दिखाकर हिंदू युवा रील बनाकर डाल रहे हैं गरियाते हुए कि देख लो मुल्लो, देख लो यहीं बनेगा मंदिर। मुसलमानों को उकसाने की लगातार ऐसा लग रहा है कि सरकारी कोशिश है। युवाओं को छूट दे दी गई है कि जो करना है करो। आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो भी होगी और जिस अकाउंट पर पोस्ट किया गया है वो भी अकाउंट होगा। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गाइस मंदिर यहीं पे बनाएंगे, देख लो अच्छे से, आंख फाड़ फाड़ दूसरे लोगों, यही मंदिर बनेगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गिरफ्तारी होगी अजी? नहीं होगी क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। बिहार के छपरा में एक मस्जिद के काजी को पकड़ के जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। कमजोर ईमान वाला बेचारा अकेला इकलौता क्या करे, जान बचाना वाजिब है। क्योंकि पता है कि अगर नारा JSR का नहीं लगाया तो सड़ा हुआ समाज मेरी गर्दन पे छुरी मार देगा या मेरे मुंह पर घूसा मार मार कर लहूलहान कर देगा, मेरी मॉब लिंचिंग कर देगा। देखिए, जिस पर FIR नहीं होगी न इनकी गिरफ्तारी होगी। मुसलमान होना भारत में जुर्म बना दिया गया है। आप बोलिए जय श्री राम, आप बोलिए जय श्री राम। आप फोटो खींच रहे हैं? नहीं, आप बोलिए एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। देश का मुख्यमंत्री कौन है बताइए 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 बताइए। चुप। नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि मुसलमान होने दे रहा है। अब आपको क्या ही तकलीफ हुई होगी देख के। अरे होगा बिहार का कोई मुल्ला मौलवी मुसलमान होगा, हमसे हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। इसी सोच ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी सोच ने अजी वो हमारी मस्जिदों को सेम प्लानिंग के तहत शहीद कर रहे हैं। जिस मस्जिद और मदरसे का मैटर कोर्ट में चल रहा है, सुबह सुबह जाकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। ये पूरे भारत में ये रूट फॉलो किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ऐसी मस्जिद, ऐसे ही अल्लाह का घर, जिसका मुद्दा कोर्ट में चल रहा है हिंदू संगठन के साथ
प्रशासन उस मस्जिद को शहीद करने पहुंच गया, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर के मुसलमान जिंदा थे, मुर्दा नहीं। भारी आक्रोश और गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ गया प्रशासन वालों को। देखिए, ये सब भारत में चल रहा है। मुसलमान खतरे में, मुसलमान की प्रॉपर्टी खतरे में, मस्जिदें खतरे में। इनको मुस्लिम देशों में मंदिर चाहिए और भारत में मस्जिद नहीं चाहिए। सोचिए, जिस मुफ्ती साहब ने किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और एक झुंड ने अपने आप को कुत्ता मान लिया, उनमें से एक सुअरे चक्रवाणे भी हैं, जिसने, जैसे आप मान के चलिए कि अगर मुफ्ती अजहरी साहब ने किसी को कुत्ता कहा किसी को, तो वो क्राइम हो गया, लेकिन पलट कर सुरेश चक्रवाणे अपने चैनल पर पूरे भारत में ऑन एयर गाली गलौज करता है मुफ्ती अजहरी साहब के लिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उनके मुंह को सुअर की तरह एडिट करके अपने लाइव प्रोग्राम में चलाता है। हालांकि एडिटिंग लेवल काफी सस्ता और ऐसा है कि जैसे गांजा या फिर गधे का मूत पी के एडिटिंग करी हो, लेकिन फिर भी इस पर FIR हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मुर्दा मुसलमान इस पर FIR करेगा? सुनिए, गंदी नाली के कुछ कीड़े घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें, वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे, हिजबुल जो फरमान सुनाता ये बस उतना ही मानेंगे, वक्त हमारा तब भी था। सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था, असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था, इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो, सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो, अपनी औकात में रहना सीखो वरना। अब बताइए, है कोई मर्द का बच्चा जो इस पर FIR करे? है कोई मुस्लिम संगठन जो इन पर आवाज उठाए? है कोई इस देश में ऐसी संस्था कि मुसलमानों को एकजुट करे, सिख ईसाइयों को एकजुट करे? मैं तो अपने सिख और ईसाई समुदाय को आवाज दूंगा कि आइए एक होइए, मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर उनका साथ दीजिए। मैं अपने हिंदू ईमानदार और जो माँ की पेट से जन्मे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, उनसे कहूंगा कि आप अपने श्री राम के रास्ते पर चलिए, ना कि राम जी का नाम लेकर रावण जैसे काम करने वालों के साथ खड़े होइए। आइए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, आइए आपके इसी हिंद के भाइयों, हिंद के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, डरना बंद कीजिए और आवाज उठाइए। क्या हो गया है आपको कि जब मुसलमान परेशान होगा तो आपको खुशी होगी? ऐसे तो हम कभी न थे। क्या हो गया है कि आज जब मुसलमान रोता है तो आपको खुशी होती है? ऐसे तो हम कभी न थे। क्या हो गया है आपको कि आज जब मुसलमानों के घर से रोने की आवाज आती है, उनके घर के गिरने की आवाज आती है, उनके घर पर बिल्डोजर चलता है, उनके आशियाने उजड़ते हैं, तो आपको खुशी होती है? हम तो ऐसे न थे। इस गुलिस्ता को क्या हो गया है
हमारे खूबसूरत भारत को क्या हो गया है, ये किस गंध की नजर लग गई है कि मेरा हिंद उजड़ गया है। मेन मुद्दों को छोड़कर आप गलत मुद्दों की तरफ भाग रहे हो। क्या हो गया है आपको, क्या हो गया है मेरे दोस्तों? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें चल रही हैं। दिल्ली का एक मामला, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक लड़की ने बुर्का पहना, हिंदू महिला ने, श्वेता नाम की लड़की ने, और अपनी अम्मा के घर, अपनी मां के घर ही बुर्का पहन के चोरी करने गई। कई किलोग्राम चोरी कर लिया उसने सोना। 31 साल की श्वेता उत्तम नगर में रहती है, अपनी मां के घर यानी अपने ही घर बुर्का पहन के जाती है, सामान चोरी करती है, सोना चांदी पैसा चुराती है और फरार हो जाती है और बाद में अनजान बन जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, डिटेल रिपोर्ट ये है कि जब पुलिस ने पड़ताल करी और पूछताछ करी तो श्वेता यानी बिटिया ही गिरफ्तार हुई। फिर उस हिंदू बिटिया ने बताया कि मेरी माँ मेरी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करती है और शादी में उसकी उसको दे देती, मुझे कुछ नहीं मिलता, इसलिए बुर्का पहन के मैंने चोरी कर ली। तो आज हिंदू समुदाय छोटा मोटा क्राइम भी करता है, मुसलमान का भेष लेता है, क्योंकि हमारी बॉलीवुड की फिल्में इतिहास गवाह है। उठाकर देखिए आज जो फिल्म आ रही है द इंडियन पुलिस फोर्स, इसके अंदर लाइव आप जाकर देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पर, कि एक तरफा आतंकवादी मुसलमान दिखाया, बुरखे वाली हो, मुसलमान नाम हो, समीर हो, आलम हो, शमीम हो, अशफाक हो, सबको आतंकवादी, और इनका कनेक्शन अब पाकिस्तान से नहीं क्योंकि ईरान से दिखाया जा रहा है कनेक्शन इस फिल्म में। तो सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं है, बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को उठा कर देखिए, उसमें आतंकवादी मुसलमान होगा, बुरखे वाली, चोर, उचक्की, डाकू, मवाली या गंदी होगी। हम चुप रहते हैं तो ये हो रहा है। मेरे दोस्तों, ज्ञान व्यापी पर क्या फैसला आया है? एक बाबरी मस्जिद हमने गलत तरीके से छोड़ी है। आज न्यायपालिकाओं का फैसला देखने के बाद, सुनने के बाद साफ लग रहा है कि एक तरफा फैसला दिया जा रहा है। इसका मतलब ये बाबरी हमसे गलत तरीके से ली गई है। आज पहली बार बड़ी बात बोली है मौलाना हजरत अरशद मदनी ने, कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारा भारतीय न्यायपालिका पर से भरोसा उठ गया है, यानी हमारा पहली बार न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है दोस्तों। और मौलाना अरशद मदनी की यह बात सटीक है दोस्तों। ज्ञान व्यापी पर अब मुस्लिम नेताओं और उलमा ने कुछ कुछ बोलना शुरू किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आज सटीक सवाल खड़े किए कि मुसलमान आखिर कब तक सब्र करेगा। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहमुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहमुल का इस्तेहसाल कर रही तो ये अब मुसलमान क़यादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहमुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहमुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है, इसलिए मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहमुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहमुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो आगे आए, और ये जो फिरका परस्त तंग नज़र जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। मुस्लिम समाज को खासतौर पर और दीगर तमाम अखिलियतों को, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजबूर हो। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन। आइए अब सरकार पर आते हैं। न्यायपालिका की बात हो रही है, संविधान की, कानून की बात हो रही है, तो बता दूं कि संविधान, न्यायपालिकाएं खत्म हो चुकी हैं या फिर अब खत्म होने वाली हैं। वैसे भी ये बात अब साफ जाहिर हो रही है कि यह आखिरी चुनाव है, जिसमें आएगा तो मोदी ही, पहले ही ट्रेंड कर रहा है, या कहूं कि करवाया जा रहा है। माननीय
हमारे सीएम प्यारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि कोई भी लड़की को छेड़ेगा तो अगले चौक पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वैसे ही फर्जी एनकाउंटर होते हैं, और अब बाबा जी ने कह दिया है कि लड़की को कोई छेड़ने की बात कहे तो गोली मार दो। आप समझ रहे हैं? तो पहले फेक एनकाउंटर, फेक केस कितने हैं, और ऐसे में पुलिस को खुली छूट है कि भैया किसी को मार देना, फिर कह देना कि लड़की छेड़ रहा था। ये होगा? बड़े खुश होकर बाबा जी कह रहे हैं कि अब तो ये हो गया है ऐसी सरकार। तो यानी न्यायपालिका ख़त्म, कानून ख़त्म, धाराएं जो लगती हैं वो गिरफ्तारी वो सब ख़त्म, सीधा फट गोली मारो ख़त्म। पहले ये देखिए फिर अच्छा जवाब मिलेगा। बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। आ राम नाम सत्य हो जाएगा, बहुत बढ़िया कहा। किसी भी लड़की छेड़ने वाले, बलात्कार करने वाले को सीधा ये राम नाम सत्य कर देंगे। तो ये तीनों का क्या हुआ बाबा जी? बाबा जी क्या हुआ? बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का कुंडल पांडे, सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, इसके मामले में, इन तीनों के मामले में बाबा जी कुछ सुनाइए। ये अगले चौक पे जाएंगे या उसके अगले, कौन से चौक पे इनका होगा भैया राम नाम सत्य इनका बताइए, कि या ये भी सिर्फ मुसलमान वाला होगा कि मुसलमान होगा तो अगले चौक पे मारा जाए, वरना कोई बात नहीं राम नाम सत्य नहीं होगा। है योगी जी, करनी और कथनी में फर्क होता है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा जरूरी होता है, समझना भी होता है इस मामले को। उत्तर प्रदेश में न्याय कितना है, आपको ये महिला याद होंगी, महिला जज, मेरे दोस्तों ये महिला जज हैं। कुछ महीने पहले इन महिला जज ने सिस्टम से परेशान होकर शिकायत की थी कि उनके साथ कुछ गलत किया जाता है, सीनियर जज गलत करते हैं। जज भाई साहब जज थी ये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इन्होंने सुसाइड कर लिया है और लिखित में इन्होंने पहले खुदकुशी करने की इजाजत मांगी थी। आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला जज ज्योत्सना राय ने अपनी सरकारी आवास के अंदर खुद को फांसी लगाकर ख़त्म कर दिया है। जिले के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे, छात्र अफसर, यहां तक कि जज भी आत्महत्या कर रहे हैं। और सोचिए, यहां बात की जा रही है कि अगले चौराहे पर बेटी को छेड़ने वाले ख़त्म कर दिए जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है। महिला जज के भाई ने जांच के तरीकों पर सवाल उठाए हैं, डायरी के पन्ने फाड़ लिए गए और क्या क्या सबूत गायब किए गए होंगे वो तो भगवान जाने हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। जज के आहत भाइयों को सुनिए। जाली वाला जो बाउंड्री था, जाली वाला था, उस पे दरवाजे पे लॉक ही नहीं था, उस पे भी फिंगरप्रिंट लेना चाहिए था एक बार जी। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था जी, कोई भी जो है अंदर से दरवाजा, और उसके कमरे तक कोई दरवाजा लॉक नहीं था जी। बस बाहर का एक जो है दरवाजा कोई लॉक करके भी ऊपर से जाली से निकल सकता है। लोहे का एक ग्रिल का दरवाजा था, उसने अंदर से वो उसको तो बंद करना चाहिए था, वो भी नहीं बंद की। कम से कम जांच तो अच्छे से करना चाहिए। जो डायरी में जो है कई सारे पेज उसके फटे हुए थे, कुछ देखना चाहिए था कि क्या हो सकता था, क्या उसका दूसरे पन्नों पे क्या इम्प्रिंट आया था जी। गहनता से जांच करनी चाहिए, कुछ भी हो लेकिन ये सब चीजें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बताइए क्या न्याय मिलेगा अब? भारत में मुसलमानों को हर तरह से दबाया जा रहा है, खुद करें तो
मजा आ रहा है, हम कहें तो कैरेक्टर ढीला हो रहा है, वो वाला हिसाब है। एयरपोर्ट पर हिंदू महिलाओं ने खूब जमकर शोर मचाया, जो भी उनका रहा होगा, नॉइस पॉल्यूशन में वो आता है। पहले वो वीडियो देखिए, उसकी सराहना की जा रही है, हिंदू समुदाय के लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नारी शक्ति अनाना फलाना शक्ति, देखिए। अब अपने दिल पर हाथ रख के कहिए और सोचिए, ये पूरा झुंड शोर मचा रहा है, जो भी गा रहा है गाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं, बल्कि खुशी हो रही है सबको, मुझे खुद खुशी हो रही है। लेकिन दो रकत अगर मुसलमान बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी आवाज के कोने में नमाज पढ़ ले, शैतानों के दिल दहल जाते हैं, शैतान को आपत्ति हो जाती है, अरे ये क्या हो गया, फौरन ये तो धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहा है, नमाज तो ये कौन सा धार्मिक स्थल है भाई, जहाँ तुम ये तुम्हारी अम्मा और ये जो महिलाएं जो कर रही हैं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये अगर आप ये कर सकते हो तो मुसलमान नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता। लेकिन जिस तरह से कल अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती साहब को गिरफ्तार किया गया, और ऐसी कई सारी वारदात देखी जा रही हैं कि हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ हो तो कोई गिरफ्तारी नहीं, और मुसलमान अगर उस तरफ का कोई बयान भी ना दे, सिर्फ अपने लोगों का हौसला बुलंद करते हुए एक शेर पढ़ दे, तो मुसलमान गिरफ्तार। ऐसे में आपको लगता है कि संविधान यहाँ जिंदा है, ऐसे में लगता है कि कानून का पालन हो रहा है? सवाल काफ़ी बड़े हैं, जवाब आपके दिल के पास है। मुसलमानों से यही अपील है, जिंदा बनो, मुर्दा मत बनो, जिंदा रहो और डरना बंद करो। सबको एक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि मार तो वैसे भी रहे हैं, जेल में तो वैसे भी डाल रहे हैं, तो हम कानून का दामन क्यों छोड़े, हम संविधान का दामन क्यों छोड़े, हम सवाल पूछना क्यों छोड़े? हम पूछेंगे, बस एक दूसरे का हाथ थाम के रखिए। इस वक्त खुदा का वास्ता शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी राबजी मालगी शाफी ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त इस्लाम को, दीन को हमारी ज़रूरत है। हमेशा हमेशा इस्लाम को कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आज हमें अपनी नींद को कुर्बान करना होगा, अपने आराम को कुर्बान करना होगा, अपने घर वालों को देने वाला समय कुर्बान करना होगा, अपनी खुशियां कुर्बान करनी होंगी, अपनी यह आवारगी कुर्बान करनी होगी, दोस्ती यारी कुर्बान करनी होगी। आज अपने बड़ों के लिए, अपने उलमा के लिए, हक पसंद इंसान के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने वतन की एकता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी मस्जिदों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपको बता चुका हूँ कि एक एक मस्जिद छीन ली जाएगी। आपकी स्क्रीन पर ये एक और आने वाला बुरा समय देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और बताता आया हूँ, ये BBC की सोर्स रख रहा हूँ आपके सामने। ताजमहल में होने वाले उर्स के खिलाफ दायर की गई याचिका, जी हाँ, अब हमारे जगहों पर, मुगलों की जगहों पर मुसलमान कोई उर्स भी नहीं रख सकता। अब कोई मुसलमान खड़ा होकर कहे, अरे उर्स तो यार ये तो काफिराना बातें हैं, कुफ्र है, अरे तुम तुफ्र तुफ्र दुना हलाल हराम में रह गए और तुम्हारी जिंदगी हराम हो गई, वो तुम्हें जेल में डालने लगे, एक एक करके तुम्हारे पिछवाड़े लाल करने लगे, और तुम अभी शिया सुन्नी देवबंदी हलाल हराम हराम, ये तो फितना है, ये तो वो है। अच्छा, तुम बड़े दूध के दिल हो, आज पूरी कौम खतरे में है।
और रही बात मुसलमानों पर इल्जाम लगाने की, गद्दार, अरे जरा सा पन्ने पलट कर देखो, मॉस्को में, रूस की राजधानी में भारत का एक एजेंट था, सत्येंद्र सिवाल सिंह, हिंदू, विदेश मंत्रालय का कर्मचारी था, वहां हमारी जो एम्बेसी है रूस में उसमें काम करने वाला ये शख्स था। ध्यान से इस चेहरे को पहचान लीजिए, इसका सोशल मीडिया हैंडल नहीं मिला, वरना इसके भी सोशल मीडिया हैंडल पर किसी न किसी खास इंसान की तस्वीर होती और ख़ास तरह का नारा लिखा होता इसने और ख़ास पार्टी का समर्थक होता। लेकिन आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, यूपी एटीएस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। नाम है इसका, बस क्या ही बताऊं, हिंदू है ये, नाम सत्येंद्र सिवाल सिंह, लेकिन गोदी मीडिया इसका नाम नहीं बता रहा है, अखबार इसका नाम नहीं बता रहा है, लेकिन बाप इनका जिंदा है, बता रहा हूँ। सत्येंद्र सिवाल सिंह भारत से गद्दारी करने के आरोप में गिरफ्तार, और मुसलमान देश से वफा करते करते गिरफ्तार। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और लिखते रहिए, बोलते रहिए, और बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते तो सच को शेयर करते रहिए। जय हिंद।